हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, और आप सभी का स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, मैं तो बढ़िया हूँ, आप सब भी बढ़िया, उम्मीद है कि आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज मैंने खाना पीना बना लिया है। आज मैंने कोई रेसिपी वगैरह नहीं डाली है इसमें, और जो कि आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं पहले ही बना चुकी हूँ, ब्लॉग आ चुका है, और अभी नहा करके आई हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, आज मैं करने वाली हूँ कुछ स्पेशल, क्योंकि मैं ब्लॉग में दिखाऊँगी, आप बने रहना। ठीक है, तो मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कराया अभी। ठीक है, क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। तो अभी हमने खाना बनाया है, देखिए ये मेरा आलू बैंगन की सब्ज़ी बन चुकी है, और ये है रायता, ये रायता है खीरे का और प्याज का, और इसमें देखिए बन चुके हैं चावल हमारे। तो खीरे और प्याज का रायता है दोस्तों। अगर आपको रेसिपी की ज़रूरत हो, अगर आपको रेसिपी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं खीरे का रायता बनाना बताऊँगी मैं आपको। प्याज के साथ में बढ़िया बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो मैंने इसकी कोई रेसिपी नहीं अभी डाली है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो ठीक है, अभी खाते हैं खाने में आते हैं खाने में। तो ये देखिए रायता, ये है खीरे वाला रायता दोस्तों, इसे आप बना सकते हैं बहुत। तो ये देखिए, ये मैंने रायता ले लिया, अपने मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये रायता, इस वजह से मैंने लिया चाहता। ठीक है, अभी सब्जी ले लेते हैं। तो आलू बैंगन की सब्जी है ये रसे वाली, तो अकेले का खाना नहीं है दोस्तों, इसमें दो जने खाने वाले हैं, ये मैं अकेला नहीं खा सकती इतना। ठीक है, देखिए पहन के देख रहा है अपनी अभी। तो दोस्तों इसकी ड्रेस अभी आई है, और अभी स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि एडमिशन न्यू एडमिशन दूसरे स्कूल में करवाया है, इस वजह से अभी ड्रेस को पहन के देख रहा है। अभी किताब कॉपी भी नहीं आई है, और ये लगाई थी मैंने मशीन चल रही है, उधर हाथ धोने गए हैं। तो राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, और अभी शाम का बज रहा है 5, तो अभी शाम हो चुकी है, और कल का वीडियो मेरा अधूरा ही रह गया था दोस्तों। मैं कुछ बताने वाली थी आपको, दिखाने वाली थी अपना कलेक्शन, तो दोस्तों आज की मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो बने रहना मेरी वीडियो में। तो मैं क्या दिखाने वाली, कल क्यों नहीं हो पाया वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कल इसलिए नहीं हो पाया कि कल दो दो जगह मुझे जाना पड़ा था, और वहाँ की मैं वीडियो नहीं ले सकती दोस्तों, इसलिए मैं बाहर की वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम अपनी फैमिली की ही वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर। हमें नहीं लगता कि कोई भी अपनी वीडियो के लिए मतलब एग्री है कि नहीं, उनको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कोई फेस करना चाहता है कोई नहीं चाहता है, इस वजह से मैं किसी की वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो मैं गई थी अपने मतलब मायके की तरफ, मेरे भाई लोग यहीं पर रहते हैं, तो भतीजे के मतलब मेरे भतीजे की बहू के लड़का हुआ था ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ था, तो उधर मैं उसको देखने गई। फिर उसके बाद मैं मेरे चाचा के लड़के का ऑपरेशन हुआ था, मेरे चाचा के लड़के का भी मतलब पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तो उसको भी देखने जाना पड़ा मुझे शाम को, तो इस वजह से मेरी कल वीडियो नहीं बन पाई। और उधर की अगर मैं वीडियो बनाती तो दोस्तों नहीं, कोई फेस करे या ना करे, मैं अपनी ज़बरदस्ती से किसी का वीडियो नहीं बना सकती, मैं अपनी फैमिली तक ही सीमित रखना चाहती हूँ। और दोस्तों आपको मेरी फैमिली ही अच्छी लगती है, तो मेरी फैमिली को ही देखा करो, और जो जहाँ पर मैं अपने मतलब गांव में जाती हूँ, जो मेरा मायका है, जो मेन मायका है मेरा, वहाँ पर यहाँ पर रहते हैं मेरे भाई लोग, ताऊ के, चाचा के, सभी बच्चे लोग रहते हैं इधर, और मायका है उधर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उधर तो वीडियो बिंदास बनाओ कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, तो उधर मैं वीडियो बना लेती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से मैंने कल की वीडियो नहीं बनाई थी, और वहाँ से आने के बाद मैं मुझे बज गए थे रात के 8, क्योंकि वहाँ पे पहले मैं वहाँ पे गई थी उसका लड़का हुआ था ऑपरेशन से उसे देखने के लिए, तो उसके बाद में मैं वहाँ से आई थी 4 बजे। फिर उसके बाद में इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी शॉर्ट वीडियो शूट करी, उसके बाद में मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया, क्योंकि साउंड चलता है इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता है, तो मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने अपनी शॉर्ट वीडियो चालू करी थी। उसके बाद में हम गए थे 6:30 बजे हॉस्पिटल गए थे, फिर चाचा के लड़के को देखने, उसका भी ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तो इस वजह से फिर उसको देखने के बाद में वहाँ से आए हम 8:30 बजे। 8:30 बजे तो फिर खाना पीना खाने के बाद में फिर मेरी हिम्मत नहीं करी कि मैं अब वीडियो शूट करूँ। तो दोस्तों आज मेरे ब्लॉग में अभी मैं क्या दिखाने वाली हूँ आपको, जो कि मिडिल क्लास की मतलब थ्योरी होती है, मेरे जैसों की, अपने जैसों की बता रही हूँ मैं, मिडिल क्लास में भी बहुत हाई फाई लोग भी हैं,
तो मैं अपने जैसों की बता रही हूँ कि मैंने बताना, मैं अपना जितना भी कलेक्शन है मेरे पास, मैं आपको हर दिन अपनी चीज़ दिखाऊंगी। नेल पेंट का कलेक्शन तो देख सकते हैं आप, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको क्या दिखाना चाहती थी, आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहती थी आपको अपनी नेल पेंट का कलेक्शन। तो देख सकते हैं कि इतना सारा कलेक्शन मेरे पास कहाँ से इकट्ठा हुआ। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ थी कॉस्मेटिक की दुकान, जो कि अब नहीं है, तो उसमें से ही मैंने, मेरी बेटियों ने, नंदू नीलू ने, सभी ने अपने अपने चॉइस का सारा सामान अपने लिए कलेक्शन करके रखा है। बहुत सारा सामान रखा है हमने अपने लिए ही, सिर्फ जो कोई लेने आता है, मतलब ग्राहक जो आते थे, हम उसको नहीं देते थे सामान को जो हमें अच्छा लगा, तो ये हमने इकट्ठा करके रखा है। और दुकान तो है ही नहीं है अब, तो ये हमारे पास है। तो देख सकते हैं आप कि मैचिंग वाले पूरा नेल पेंट है मेरे पास, तो देख सकते हैं आप, ये पूरा मैचिंग वाला पूरा ही डिब्बा रख दिया ये, तो दोस्तों पूरा ही डिब्बा था हमारे पास। तो इसका पूरा कलर है, जितना भी जो भी मैचिंग का पहनेगा वो इसको लगा सकता है। ग्लिटर वाला ये डबल शेड में लगाया जाता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है मोटा वाला ग्लिटर जो आप देख सकते हैं, ये देखिए मोटा वाला ग्लिटर है ये, देखिए। और ये सारी पूरा ही ग्लिटर का है ये। और ये दूसरा वाला ब्रांड है, ये भी ग्लिटर है, जो बिल्कुल बारीक वाला ग्लिटर होता है, ये वो वाला है, दूसरे ब्रांड का है ये। और देखिए ये भी उसी में से, और ये उससे भी बारीक, जो बिल्कुल शाइनिंग आती है उसमें, ये उससे भी बारीक है ये है। तो कलर सारे हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक आध कलर लगा के दिखाऊंगी, जो कि देखना कि कितना अच्छा लगता है। ये देखिए ग्रीन कलर की आजकल साड़ियाँ बहुत चल रही हैं, तो ग्रीन कलर आप उसके साथ में लगा सकते हैं। ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, ये मतलब सब कुछ है मेरे पास, पूरा है, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ ज़्यादातर, कहीं जाते हैं तभी लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, और हमारे पास थोड़ा व्यवस्था भंग है इस वजह से, उन्हें तो मैं इनको एक शोकेस में सारा अपना जितना भी मेरा और मेरी बेटियों का जितना भी कलेक्शन है ना, पूरा उसमें लगाऊंगी किसी दिन, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। दोस्तों देखते रहना कि मैंने क्या किया। तो ये लोकल वाला कोई भी आइटम नहीं है दोस्तों इसमें से, मतलब कोई भी आइटम क्या, कोई भी नेल पेंट लोकल वाला नहीं है, वो सभी अच्छे वाले हैं, मतलब कंपनी वाले हैं। जैसे आप शोरूम में अगर बड़ी दुकान पर आप लेने जाते हैं, तो एक नेल पेंट का ही 150-150 रुपये लगेगा, और पक्का वाला नेल पेंट है ये। तो हमारे यहाँ मतलब आगरा में बहुत ही सस्ता सामान मिलता है, एक बात मैं आपको बताऊँ, बहुत ही सस्ता, दुनिया में जितना भी हम देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं कि इतना महंगा, दिल्ली से भी सस्ता हमारे आगरा में मिलता है। एक बार दिल्ली गई थी तो सदर मार्केट तो खैर है सस्ती, वहाँ की सदर मार्केट में बहुत सस्ता सामान मिलता है, लेकिन हम जैसा मिडिल क्लास के हिसाब से हमारे आगरा में बहुत सस्ता है, दिल्ली से भी सस्ता है, यहाँ पर हर चीज़ सस्ती है, इधर सब तरह का मतलब क्वालिटी मिलता है, बढ़िया से बढ़िया भी और घटिया से घटिया भी। तो मेरे पास ये हमने खोला था दुकान, तो मतलब हाई स्टैंडर्ड पर दुकान खोली थी हमने, स्टैंडर्ड वाला ही सामान रखा था उसमें, तो लेकिन यहाँ की स्टैंडर्ड वाली नहीं चलती, मतलब यहाँ मतलब अच्छी मार्केट में जाओगे आप, बढ़िया मार्केट में, ऊंची मार्केट में, तो उधर इसका प्राइस कम से कम होगा 50-100 रुपये तक का हमारे आगरा में, और इधर जिधर हम रहते हैं ना, बिल्कुल लो क्वालिटी में रहते हैं, तो उधर इसका प्राइस सिर्फ 20 रुपया है। मैंने इसे 15-15 में भी बेचा था, लेकिन अब मैं किसी को नहीं बेचती, ये अपने लिए ही रखे हैं मैंने, बहुत से आइटम हैं, आप कमेंट करके बताना, मैं पूरा अपना कलेक्शन दिखाऊंगी, जितना भी मैंने अपने लिए अपने बच्चियों के लिए इकट्ठा करके रखा है, मैं पूरा दिखाऊंगी आपको। देखिए ये है, ऐसा कलर है ये, और इसी में से ये है पर्पल कलर है, और ये है शाइनिंग वाला, और मैं ग्लिटर वाला भी आपको दिखाऊंगी कि ग्लिटर वाला, तो आपको ये पर्पल कलर, तो इसको मतलब साड़ियों के मैचिंग के हिसाब से ही चलता है ये, सूट साड़ियाँ, तो मैं इसे कोई बेचने के लिए प्रमोशन नहीं करूँ, मैं तो आपको अपना बस दिखा रही हूँ कि हमने मतलब जो कि इकट्ठा करके रखा है, तो आपके साथ में मैं अपना शेयर कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं है मेरा, कोई बेचने का इरादा थोड़ी है कि मैं इस पर तो बेचना भी नहीं जानती कैसे बेचते हैं, तो ठीक है। ये देखिए ये इसका कलर, तो बहुत ही सुंदर कलर लगता है, और साड़ी के साथ में या सूट के साथ में या लहंगे के साथ में आप घर पहनते हैं तो बहुत ही मस्त लगता है। और एक ये भी कलर है इसमें, तो आपको ये कलर नहीं लगा के दिखाती हूँ, मैं ग्लिटर वाला लगा के दिखाती हूँ, रेड वाला लगा के दिखाती हूँ आपको, जो कि रेड तो हर किसी के साथ में चल जाता है, रेड आजकल लहंगे चल रही हैं, साड़ियाँ चल रही हैं जो कि दुल्हन पहनती हैं, तो आप इसे डबल कोड में लगाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं सिंगल कोड में ही लगा के दिखाती हूँ, देखो सिंगल कोड में कितना अच्छा लगा ये, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको और मेरे कलेक्शन देखना है, और सामान है मेरे पास जो मैं अपने लिए बचा के रखा है, बच्चियों के लिए रखा है, तो ये येलो कलर का ग्लिटर मोटा वाला, ये डबल कोड में चलता है, क्योंकि ये ग्लिटर मोटा होता है ना, तो एक बार में जमता नहीं है ये, तो ये दो बार में लगाना पड़ता है,
तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे इसको लगाया जाता है। वो साइनर भी था, साइनर मेरे पास सूख गया थोड़ा तो वो फेंकना पड़ा रहा, अब लेकिन मैं लेकर के आऊँगी साइनर, जो कि इसके ऊपर से लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं आप कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। और इसी में से है, और कलर कौन सा लगा के दिखाऊँ मैं आपको, एक ये है मैजेंडा कलर बोलते हैं, जो आजकल मैजेंडा कलर चल रहा है, तो इसको भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा कलर चल रहा है आजकल, बहुत अच्छा लगता है ये कलर। इस कलर में से मेरे पास दो साड़ियाँ भी हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अपनी साड़ियों का कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगी, कि मेरे पास महंगी सस्ती जैसी भी है, मतलब हम अपने मिडिल क्लास के हिसाब से हम थोड़ा बहुत तो अपने पास कलेक्शन रखते हैं, हाई फाई नहीं रखते। तो ये मैजेंडा कलर है, इसको भी देखो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, बताना आप जरूर, ठीक है। तो ये बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, देखिए ऑरेंज है, पर्पल शाइनिंग वाला पर्पल है जो मैजेंडा बोलते हैं उसको, मैजेंडा कलर मतलब शाइनिंग में है। ये पर्पल कलर, बैंगनी कलर, जो बैंगनी कलर बोलते हैं ना, बैंगनी वाला है ये। ये स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू देखो, ग्लिटर वाला है ये भी। और ये भी देखो, मतलब मैजेंडा से भी अलग कलर होता है, ये उसी में से कलर है, बहुत ही सुंदर कलर लगता है। इस पर पूरे नेल पर ये इसी को लगाओ लंबा लंबा। मेरा नेल भी तो अभी कम हो गया क्योंकि काट दिया था मैंने, बहुत लंबा हो जाता है मेरा नेल, लेकिन मैंने काट दिया था क्योंकि खाना पीना बनाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, पर थोड़ा थोड़ा हो गया अभी। तो ये देख सकते हैं आप कि ये भी कलर है, एक एक ये है पिंक, बेबी पिंक, बेबी पिंक है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं ये हल्के कलर। ये ऑरेंज है, हल्का ऑरेंज है, ये भी मेरी बेटियों को ज़्यादा पसंद आता है। एक ये है ग्रीन कलर है, मतलब तोते ही जो तोते जैसा कलर होता है वो वाला कलर है ये, ये भी मेरी बेटियों को बहुत पसंद आता है। और ये तो मैजेंडा मैंने आपको लगा करके ही दिखाया है। और ये है ग्रीन कलर जो आजकल शाइनिंग वाला, ये शाइनिंग वाला मैंने जो लगाया था, ये वाला ये लगाया था ना, ये बगैर शाइनिंग का है और ये शाइनिंग वाला है, तो इसको आजकल बहुत लगाया जा रहा है। और ये है स्काई ब्लू जो शाइनिंग वाला है ये भी, और ये नीला कलर है, और ये ग्लिटर वाला है ग्रीन कलर, ये है मतलब बैंगनी कलर शाइनिंग वाला, ये पिंक सीड में हल्का, ये बच्चियों का है, ये वाइट कलर है, ये भी बेटियों का ये है, तो इनको टाइट लगा के रखती हूँ मैं क्योंकि सूख ना जाए। और ये है कॉफ़ी कलर, कॉफ़ी कलर ये उसमें से मतलब ग्लिटर वाला ये कॉफ़ी कलर, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नेल तो पूरा हो गया तो रिमूव अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लग गया है तो लग गया है, ठीक है, तो अभी नहीं कर रही मैं। ये मतलब कॉफ़ी कलर है, बहुत अच्छा लगता है ये। ये स्काई ब्लू है, ग्लिटर वाला, ग्लिटर वाला बहुत सारा है मेरे पास अभी उस। और ये भी ऑरेंज कलर है, ग्लिटर वाला है। और ये पिंक कलर है जो कि बेटियों को बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये देखिए येलो कलर है, इसमें मतलब इसमें ग्लिटर किस तरीके का है, मतलब गोल है, लंबा है, छोटा है, बारीक है, मतलब कई तरह का, कई तरीके का इसमें ग्लिटर है, देख सकते हैं आप, कई तरीके का है, कई तरह का इसमें। और ये येलो कलर है ये ग्लिटर वाला, ग्रीन कलर है ये ग्लिटर वाला, और ये ग्लिटर वाला ऐसा है मतलब नेल पेंट ऐसा है कि आप इसको छुड़ा नहीं सकते हो, हाल जल्दी नहीं छूटता ये। ये रेड कलर है, और ये मतलब सिल्वर और ग्रे मिला करके मतलब कोई कलर बनता है उसमें से है, मैं बता नहीं सकती आपको कौन सा कलर है ये। तो देख सकते हैं येलो कलर, मतलब येलो और ऑरेंज मिला करके कोई कलर बनता है, मतलब उस कलर में से है। और ये पिंक है, ये भी मेरी बच्चियों को अच्छा लगता है बहुत, और ये भी बच्चियों के ही मतलब के हैं भाई, उन्होंने ही अपने लिए छांट के रखे हैं इनको। और ये रिमूवर है मेरे पास, ये रिमूवर भी अगर आप किसी के पास लेने जाते हो दोस्तों, अगर अच्छी दुकान पे लेने जाते हो तो आपको 25-30 रुपए का ये रिमूवर मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ 10 रुपए का मिलता है इसे। ये भी रिमूवर है, ये टिशू वाला रिमूवर है, जिसमें से इसमें से निकालते हैं, इसे खोलो, इसमें से टिशू निकालो, एक टिशू निकालो और एक ही निकालना, ऐसे निकालते हैं इसे ऐसे, और इसको मतलब ऐसा करते हैं तुरंत रिमूव होता है दोस्तों, अच्छा अच्छा लगता है ये, बहुत जल्दी रिमूव करने का एक ही तरीका है। अगर आप नेल पेंट रखना चाहते हैं अपने नाखूनों पर तो, और नहीं रखना चाहते हैं तुरंत आप रिमूव कर सकते हैं इससे। तो ये देखिए ये बहुत ही इंस्टेंट वाला है, तुरंत साफ कर देता है, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी इस वजह से जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो देखिए ये देखिए बिल्कुल रिमूव हो गया, बिल्कुल भी साफ हो गया, और मैं तो ये जल्दी जल्दी में किया है, और बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से बैठते हैं तो करते हैं तो अच्छा हो जाता। तो देख सकते हैं आप ये ऐसा है, इसे फेंक दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा नेल पेंट का कलेक्शन। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
गाय कैंसर का जरूर कर लेना। और अगर आगे भी अगर आपको मेरा कोई कलेक्शन देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताना मुझे, मैं ज़रूर एक वीडियो उस पर बनाऊँगी। और मैं सारे वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ाना मैं आपको कोई ना कोई अपनी जो है मेरी पर्सनल चीज़ें उनके बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ब्लॉग का हम यहीं पर करते हैं एंड। तो टाटा बाय बाय।